चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्रीकल्चर वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा, जहां कैस्टर के अंदर हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग मध्य में देखी और प्राइसेस 1.25% की गिरावट के साथ लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ दिखाई दिया। मसालों के अंदर हल्दी रेंज बाउंड थी, जबकि जीरे और धनिया में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी बनते हुए देखी। हमने देखा जीरे में 20,870 से मार्केट रिकवर होकर 21,300 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। धनिया में भी 11,100 के सपोर्ट से 11,300 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। गवार सीड कवर गम में काफी अच्छी गिरावट हमने आते हुए देखी। वहीं मेंथा ऑयल के अंदर भी गिरावट कायम थी। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मार्केट में कॉटन में तो फ्लैटिश टोन रहा है, नो डाउट गिरावट काफी सीवियर थी, जहां पे हमने 44,000 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा, बट लोअर लेवल से प्राइसेस फिर से रिकवर करके 46,200 के करीब क्लोज हुआ। कॉटन सीड ऑयल के अंदर जैसे हमने उम्मीद की थी 2700 से 3000 के बीच में मार्केट मूव करेगा, पिछले हफ्ते में हमने 2750 का सपोर्ट लेता हुआ देखा और प्राइसेस 2910 के ऊपर जा नहीं पा रहा था। कपास के अंदर भी हमने 4% की गिरावट देखी, जीरन से नॉर्मल मानसून बताया जा रहा है और स्विंग कपास की अच्छी रहनी है। इंडिविजुअल कमोडिटी वाइज बात करें तो कैस्टर का आउटलुक अभी भी तेज लग रहा है, जीरन से चाइना मार्केट ओपन हुआ है, डिमांड पिकअप करते हुए दिखाई देगी। प्राइसेस लोअर लेवल से शानदार रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दिया, बट ध्यान रखिए 7580 के ऊपर निकलने पे हम 7850 तक के भी टारगेट देख पाएंगे। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति कैस्टर में बना के चलनी चाहिए। मसालों में हमें लगता है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। हल्दी की स्विंग इस बार कैसी रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर्स की डिमांड है कि हमें एमएसपी मिले 10,000 की, स्पाइस बोर्ड का गठन हो तेलंगाना में और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की जो किल्लत है उसको पूरी की जाए, जिसके चलते हो सकता है फार्मर अदर क्रॉप में शिफ्टिंग करने की सोचे और वो एक मुख्य कारण रहेगा तेजी का। बट इसकी क्लैरिटी हमें जून एंड में मिलते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते प्राइजेस 7,800 से लेकर 8,250 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते प्राइजेस में गिरावट जरूर देखी, बट आप देखिए 20,875 से मार्केट ने शानदार लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। एज ऑफ नाउ अगला हफ्ता थोड़ा पॉजिटिव जरूर दिखा सकता है, बस 21,600 के ऊपर जाते हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 21,500-21,600 तक जाए वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। धनी में भी टेक्निकली देखे तो शॉर्ट कवरिंग जरूर है, बट 11,650 से 11,700 तक के मैक्सिमम लेवल हमें दिखाई देते हैं। अराइवल्स काफी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट डिमांड भी उसके विपरीत उतनी ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है थोड़ा बाउंस जरूर है बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। गवार गम की अगर बात करें तो गवार सीड गवार गम दोनों में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 4.5% से ज्यादा की गिरावट दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आते हुए देखी। अच्छी चीज ये है कि प्राइजेस 5,700 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, तो एज ऑफ नाउ जब तक प्राइजेस 5,700 का लेवल नहीं तोड़ता है गुंजाइश है 5,950 तक का एक पुल बैक दिखे। और ध्यान रखिए अगर 5,700 का लेवल तोड़ता है तो टेक्निकली फ्री फॉल है, जो 5,450 से 5,500 तक का लेवल दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी काफी कम जरूर है, बट 5,700 का लेवल आपको वॉच करके चलना चाहिए। वहीं गवार गम की बात करें तो 11,000 का काफी क्रुशियल सपोर्ट है, नो डाउट इस हफ्ते में हमने 11,000 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा, बट क्लोजिंग बेसिस पे हमने देखा प्राइजेस फिर से 11 के ऊपर रिकवर कर ली है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 11 के नीचे वीकली क्लोज अगर होता है तो 10,600 तक के भी लेवल दिखा दे, बट जिस ढंग से हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, उम्मीद है रिग काउंट फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगला हफ्ता गवार सीड गवार गम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सपोर्ट वाइज मेजर सपोर्ट के ऊपर प्राइसेस खड़े हैं। मेंथा ऑयल के अंदर भी हमने देखा डिमांड के चलते प्राइसेस में गिरावट जरूर थी, बट पहले भी हमने देखा 1020 का आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जिसके चलते प्राइसेस हमेशा 1020-30 का लेवल छूकर रिकवरी जरूर दिखा देता है। एज ऑफ नाउ 1020 से 1070 का रेंज रहेगा, इसी रेंज में अगले हफ्ते मार्केट ट्रेड करेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा फेवरेबल वेदर मिसिसिपी टेक्सास इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट है उसका रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया।
इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में नॉर्मल मानसून बताया जा रहा है, जिसके चलते भी प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट मूव बनते हुए दिखेगा, क्योंकि मानसून अच्छा रहेगा तो सोइंग अच्छी रहेगी, सोइंग अच्छी रहेगी तो भाव में गिरावट रहेगी। इसी के चलते 44,000 का लेवल M6 में कॉटन ने तोड़ा जरूर, बट अभी भी सप्लाई कंसर्न्स के चलते प्राइजेस को बार बार में लोअर लेवल से अपलिफ्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें तो 370 से रिवाइज डाउन होते हुए 320 और अब बातें आ रही है कि 300-305 तक की क्रॉप रह सकती है, जिसके चलते प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। बट एज ऑफ नाउ बड़ी लॉन्ग पोजीशन ना बनाइए, मार्केट में प्रेशर बन सकता है। कॉटन सीड ऑयल के 2700 से 3000 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। टेम्परेरी अगर 2720 से 2750 के करीब मिले तो लेके चलना चाहिए, 2900-2950 तक में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए दिखाई देगी। कपास की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमने 4% की गिरावट जरूर देखी, बट प्राइसेस 1700 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ जब तक 1722 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम 1700 से 1722 के बीच में ही मार्केट मूव करते हुए देख पाएंगे। इन और पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर जून महीना अच्छा रहने की उम्मीद है, मानसून इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर नजर बना के चलिए। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।